नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल करनाल के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर ऋषिराज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब आप MBBS हैं, MS आपने PGI चंडीगढ़ से किया है और संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल में आप वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं और आपके पास 5 साल का लंबा चौड़ा तजुर्बा है, जिसमें से 3 साल आप PGI चंडीगढ़ में रह चुके हैं एज ए सीनियर रेजिडेंट और करीब करीब 2 साल से संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल के साथ आप कार्यरत हैं। धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहूंगा जो कि इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज हम आंखें, जो कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव ऑर्गन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जितने भी दर्शक जो कि हम अगले एपिसोड को फॉलो करते हैं, हमेशा देखते आ रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन उन्होंने हमको भेजे हुए हैं, आज हम उनका जवाब देंगे। जितनी भी जानकारी हो जाना चाहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इस एपिसोड के माध्यम से आज हम उनको दें, ताकि ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए लाभकारी रहे कि किस तरह से वो अपने आंखों का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना गया है, उसका वो ध्यान रख सके। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो मैं अपना पहला सवाल लेने जा रहा हूं डॉक्टर साहब, जो सेक्टर 13 करनाल से अविनाश गर्ग जी ने भेजा है। अविनाश गर्ग जी जानना चाहते हैं कि आंखों के बारे में, क्योंकि आज हमारा ये एपिसोड है, तो वो जानना चाहते हैं कि बच्चों की जो आई साइट बहुत कम उम्र में वीक हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, क्या इसके पीछे बच्चों का, बच्चे ही उत्तरदायी हैं या उनके माँ बाप की भी कुछ जिम्मेवारी होती है, क्या छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा ना लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? मैं सबसे पहले अविनाश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कि इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। जो आजकल हमने देखा है कि बच्चों में काफी कम उम्र के अंदर चश्मे लग रहे हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना गया है कि देखते हैं हम जो टेलीविजन है और जो मोबाइल है। हमने देखा है कि परिवार के अंदर हर कोई चाहता है कि बच्चों को टेलीविजन के सामने बिठा दिया जाए या मोबाइल दे दी जाए, बच्चे उसी में लगे, बच्चे उसी में ध्यान लगाए रखते हैं, अपना मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलते रहते हैं, टेलीविजन के पास बैठे रहते हैं, माता पिता को लगता है कि वो अपना काम कर लेंगे इस बीच, लेकिन उससे जो रेज निकल रही है उनका हमने देखा है कि बच्चों की आंखों के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एज कम्पेयर टू जो पुराने जमाने में हम देखते थे कि बच्चों में काफी कम चश्मे रहते थे, आजकल लगभग हम देख रहे हैं हर 10 में से 3 से 4 बच्चों के अंदर चश्मे लगना चालू हो गए हैं। तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे ये बच्चों को छोटी उम्र में कम से कम चश्मा ना लगे, क्योंकि ऐसा देखने में आया बच्चों को LKG UKG फर्स्ट क्लास में बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, इसके लिए आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे? मैं सभी माता पिता से ये कहना चाहूंगा कि वो बच्चों को कम से कम TV के सामने बिठाए, सबसे उनका एक समय निर्धारित करें, जो कार्टून चैनल्स वो देख रहे हैं, जो वीडियो गेम्स या जो मोबाइल कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उसमें कम से कम उनका ध्यान रहे, इसके बजाय वो बच्चों की एक्टिविटीज को बाहर बढ़ाए। तो आपका बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर साहब, मेरे भी ज़रूर काम आएगा। और हमारे एक दर्शक हैं डॉक्टर साहब जिनकी उम्र 65 वर्ष है, बहुत ही वरिष्ठ उम्र में हैं डॉक्टर, वो भी डॉक्टर RK शर्मा हैं। वो जानना चाहते हैं कि किस उम्र में आंखों की जांच करवानी ज़रूरी है, कितने समय के बाद आदमी को निरंतर अपनी आंखों की जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि वर्तमान में हमारी आंखों की क्या स्थिति है। मैं वापस से डॉक्टर शर्मा जी का इस एपिसोड के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा इस एपिसोड की, कि आँखें एक ऐसा हिस्सा है शरीर का जिसको कि हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों में आजकल, जैसे मैंने पुराने क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे थे, कि बच्चों में जितनी जल्दी हो सके आई चेकअप जरूर कराना चाहिए और एटलीस्ट 3 ईयर से पहले एक बार बच्चों की आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिसको कि हर 3 महीने के बाद अगर जरूरत है तो उसको हमें कराना चाहिए। इसी तरह से देखा गया है कि जो यंग जनरेशन होती है, जो कि कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर रहती है, जब भी उनको आंखों में किसी भी तरह का कोई भी हैवीनेस फील हो रही है या सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके अपने आई चेकअप कराना चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद में डायबिटीज के पेशेंट हो या जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह की आई डिजीज की, उनको अपना नियमित रूप से आंखों का चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे एक दर्शक हैं घरौंडा से, विकास पांचाल जी, वो जानना चाहते हैं कि ये मोतियाबिंद क्या बीमारी है और
किस उम्र में अक्सर मोतियाबिंद की बीमारी होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे पता लगे कि अब वो मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित है? ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्योंकि जो मोतियाबिंद होती है उसके बारे में लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अफवाह कह लीजिए उसको, या भ्रांतियाँ कह लीजिए, जो कि लोगों के मन में रहती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मोतियाबिंद है किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक तरह से उम्र के साथ होने वाला आंखों के अंदर बदलाव है, जो कि हर एक इंसान की उम्र में लगभग 60 वर्ष की उम्र के बाद में हमने देखा गया है। ये किसी किसी को हो सकता है कि जन्म के साथ में भी हो, जिसे हम कंजेनरल कैटरेक्ट कहते हैं, या अर्ली 40s के अंदर भी अगर किसी तरह के उन्हें स्टेरॉइड को यूज करा है, या कोई चोट अगर लगी है तो भी मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है। हमारे ही अस्पताल के ये पेशेंट भी बता रहे हैं, खुद को सत्यनारायण जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये MICS सर्जरी क्या होती है, और दिल के मरीज जो ब्लड थिनर पर अमूमन डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल में इसका किस तरह से MICS के जरिए इलाज होता है, या इस तरह के पेशेंट को आपके हॉस्पिटल से कहीं और रेफर किया जाता है? देखिए, जो MICS टेक्निक होती है ये माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होती है। ये एक तरह की नई सर्जरी की एक टेक्निक होती है, जिसमें कि जो इंसिजन साइज है वो काफ़ी छोटा होता है, 1.4 mm का होता है। लेकिन जो पेशेंट स्पेशली जो कि कार्डियक पेशेंट है, जो कि ब्लड थिनर के ऊपर होते हैं, उनके अंदर रिस्क होता है कि अगर हम किसी तरह की कोई भी इंजेक्शन अगर हम सर्जरी के दौरान यूज करें, पेरिवल ब्लॉक एनेस्थीसिया देने के लिए आंखों को सर्जरी के लिए, तो उससे उनके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। हम संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी सर्जरी जो हम कर रहे हैं, कैटरेक्ट सर्जरी हम कर रहे हैं, वो बिना किसी इंजेक्शन के हम कर रहे हैं, बिना किसी पट्टी की जरूरत के हम कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के पेशेंट को कोई भी सर्जरी के बाद में तकलीफ ना हो और MICS से जल्दी रिकवरी हो सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा जवाब रहा ये भी। हमारे एक महिला दर्शक हैं डॉक्टर साहब, नेहा गुप्ता जी, वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उनका कहना है कि बच्चे उनके दिवाली के दौरान काफ़ी ज़्यादा असावधानियाँ बरतते हैं, तो उनका सवाल ये है कि दिवाली में किस किस तरह की सावधानियाँ उन्हें बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर पटाखे चलाते वक्त दिवाली में ऐसे हादसे, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आगे जाकर हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ती हैं। इस विषय में आप हमारे दर्शकों को किस तरह के सुझाव देंगे और किस तरह की सावधानियां वो दिवाली के दौरान रखें? सबसे पहले मैं नेहा गुप्ता जी का और हमारे जितने भी दर्शक जो कि इस वक्त इस वीडियो को एपिसोड को देख रहे हैं, उनको संजीव बंसल सिग्नल अस्पताल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देखिए, दिवाली एक तरह का हर्षोल्लास का त्यौहार है, जिसको कि सभी परिवार के लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी सी एक दुर्घटना, एक अनहोनी जीवन को अंधकार में बना सकती है। स्पेशली हमने देखा है कि ये जो यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे होते हैं, वो पटाखे चलाते वक्त छोटी सी लापरवाही की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो इसमें क्या सावधानियां डॉक्टर साहब उनको बरतनी चाहिए, ऐसा जैसे कोई घटना छोटी मोटी हो भी जाती है तो प्राथमिक तौर पर क्या इसका कोई उपचार घर पर भी किया जाता है, या सबसे पहले सीधा डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? सबसे पहले मैं सभी माता पिता को बताना चाहूँगा कि जिस वक्त भी बच्चे पटाखे लग छोड़ रहे हो दिवाली के ऊपर, छोटे बच्चे जो स्पेशली है, वो बड़ों की निगरानी में ही पटाखे चलाएं, किसी खुले स्थान में पटाखे चलाएं। फिर भी अगर किसी दुर्घटनावश या कोई अनहोनी अगर हो जाती है, तो उनको सबसे पहले प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है एक बार वो घर के ऊपर भी दिया जा सकता है, जिसमें कि उनकी आईज के अंदर वो आईज वॉश कर लिया जाए घर के ऊपर और उनको आई पेस्ट लगा दिया जाए। इसके बाद किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ जो कि निकटतम अवेलेबल हो, उनको वहां पर जाके भी उसको दिखाए, ताकि सही ढंग से एक बार असेसमेंट होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा जवाब मिला ये भी, और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे दर्शक जो इस समय इस एपिसोड को देख रहे हैं, वो दिवाली के समय में आपके बताए हुए सुझाव और सावधानियाँ ज़रूर बरतेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम अपने आखिरी और छठे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इंजीनियर राशिद खान हैं, वो हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं, उन्होंने यूपी से ये सवाल भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि अक्सर जो करनाल के बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर अलग अलग बीमारियों के इलाज किए जाते हैं, लेकिन आँखों से संबंधित यदि कोई चोट हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो मरीजों को चंडीगढ़ और दिल्ली ही जाना पड़ता है। क्या संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल में ऐसी विकराल स्थिति से निपटने के लिए कुछ सुविधाएं हैं? यदि हैं तो आप ऐसी स्थिति को, खासकर जो आई के पेशेंट हैं, आंखों के पेशेंट हैं, उनको कैसे संभालते हैं? मैं राशिद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने देखा है कि जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं,
वो बाकी सारी बीमारियों का सही ढंग से इलाज कर देते हैं, लेकिन जो आंखें, जैसे मैंने शादी में भी कहा है कि सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है वो सबसे नेगलेक्ट करने वाला ऑर्गन, जिसमें तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, उस तरफ कोई भी ध्यान, किसी भी तरह का कोई भी इलाज शुरुआत में नहीं किया जाता है। लेकिन संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल के अंदर जैसे सभी तरह की सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस तरह से यहाँ का जो आई डिपार्टमेंट है हम उसमें आई ट्रोमा से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी पेशेंट जो है उसको दिल्ली या चंडीगढ़ कहीं पर भी जाने की जरूरत ना हो, क्योंकि जाने में जो उनका टाइम, जो कीमती समय होता है उस वक्त का, जो टाइम फ्रेम होता है कि जितनी जल्दी उनको प्राइमरी एड मिल सके, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके, ताकि जो फ्यूचर जो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सके, वो हम यहाँ पर ही जब पेशेंट का इलाज चालू करेंगे तो वो कीमती समय उसका नष्ट होने से बच जाएगा, और उनका विजुअल रिहेबिलिटेशन जो रहेगा, विजन जो रहेगा, रिस्टोर हम कर पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा नज़र में आया है कि अक्सर यही टाइम इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसको हम गोल्डन टाइम बोलते हैं, वो 3 से 4 घंटे का जो हमारा सफ़र है उसी में खो जाता है, और छोटी दुर्घटना उस समय बड़ा दर्द दे जाती है, बड़ी चोट दे जाती है। आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे जवाब दिए हमारे दर्शकों के सवालों के, और मैं संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दर्शकों की ओर से मैं डॉक्टर ऋषिराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद।